प्रणाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ, रेकी को रिसीव कैसे किया जाए। यूँ तो रेकी सर्वव्यापी है, हमारे आसपास हमेशा रेकी है, लेकिन जब हम रेकी की थेरेपी लेते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस मैं बताता हूँ अक्सर अपने क्लाइंट्स को, जिससे कि उनका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्मल रेकी मास्टर्स क्या करते हैं कि वो आपको मैसेज करते हैं कि आप रेकी स्टार्ट हो गई, आप रिसीव करिए। लेकिन उस दौरान अगर आपके दिमाग में क्रोध चल रहा है, ईर्ष्या चल रही है, आपके नेगेटिव थॉट्स, यू आर कंटिन्यूसली गेटिंग दोज नेगेटिव वाइब्स, देन रेकी कैन नॉट वर्क अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिट डाउन इन ए कंफर्टेबल पोस्चर, जिसको हम सुखासन बोलते हैं। इस तरह बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें और आँखों को बंद रखें और लंबी और गहरी श्वास लें। इसको मैं आपको थोड़ी सी झलक अभी दिखलाता हूँ, आप इसको उस वक्त कर सकते हैं। तो इसको ज़रा नोट करके रखिए किस तरह मैं बैठता हूँ। तो फॉर इंस्टेंस मेरी रेकी स्टार्ट हो गई, मेरे मैसेज आ चुका है फ़ोन पे, अब मैं रेकी हीलिंग रिसीव करने जा रहा हूँ। तो लंबी और गहरी श्वास, आंखें बंद, जस्ट श्वास ही हो जाए। हर श्वास के साथ आप और पॉजिटिव होते जा रहे हैं। योर बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड, योर माइंड इज गेटिंग रिलैक्स्ड, योर बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड। आपका पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर रहे और अपने अंदर निर्विचार अवस्था का अनुभव करें। मन ही मन थैंकफुलनेस में जाएं, जिसको भी आप मानते हैं उनको याद करें। अब आप हीलर की हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। विजुलाइज करें साथ साथ में जिस ऑर्गन पे आप हीलिंग देना चाहते हैं, उस ऑर्गन को ठीक होता महसूस करें, उस ऑर्गन की प्रोग्रेस को देखें। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, धीमी और गहरी श्वास, आप श्वास ही बन गए, श्वास ही बन चुके हैं। अब जो मित्र शव आसन में लेटना चाहे वो लेट सकते हैं। तो लेटने के बाद प्रक्रिया ये है, अब आप आके खोल सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट था। तो नॉर्मली जब रियल लाइफ में आपने जब हीलिंग रिसीव कर ली है और ये आँखें आप खोलना चाहते हैं आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, हाथों को ऐसे आपने रगड़ना, रब करना है, ताकि वो जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है वो बाहर ना फेंक दे आप आँखों के द्वारा, तो आँखों से भी अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। और इसको ऐसे अपने चेहरे को प्यार से प्रेम पूर्वक इसको रब करना है, धीरे 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 आँखें खुलेंगी। तो ये तो एक डेमो था किस हिसाब से हमने अपने आप को सेट करना है। अगर आप हीलर के साथ जुड़े हैं तो कोशिश कीजिए से उनसे एक रिक्वेस्ट करें कि आप वो कोई ऑडियो भेज सकते हैं आपको इस तरह की, कि मन शांत हो रहा है और आपको एक गाइडेड मेडिटेशन की तरह आपको एक ऑडियो भेज दी गई है। आप उस ऑडियो के को आप प्ले करेंगे तो जब प्ले करते ही आपका मन हीलर के साथ जुड़ जाएगा और सारे विचार गायब हो गए, अब आप हीलिंग रिसीव करेंगे, वो हीलिंग का लाभ भी होगा। शवासन में अगर आप लेटे हैं, शवासन से जब लेटे हैं तो ज्ञान मुद्रा बनी रहेगी, और चाहे दीवार के साथ हो तो ज्ञान मुद्रा हमेशा बनी रहेगी। तो इससे क्या है कि इससे कि मन स्टेबल रहता है। तो ये है रेकी हीलिंग को रिसीव करने का मेथड। रेकी हीलिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये आपके जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई शायद मेडिकल साइंस में कोई आज तक पता ही नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी गायब हो जाती हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली यहाँ से स्टार्ट होती हैं। यहाँ से सारे विचार, सारा दिन हम नकारात्मक सोचते हैं, हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, न्यूज़ को बंद करना है। अगर आप हील होना चाहते हैं, न्यूज़ बंद। अगर आपको व्हाट्सएप या फेसबुक से डिस्टर्बेंस हो रही है, बंद। थोड़ा टाइम रखें, 1 घंटा दिन में। मैं पर्सनली काफ़ी महीने हो गए मैंने टीवी देखा ही नहीं, टीवी ही नहीं देखा। तो उससे क्या है कि साधना अच्छी रहती है और पर्सनल लाइफ में भी अपने काम के ऊपर क्वालिटी से मैं काम कर पाता हूँ। अगर मेरा ध्यान चल रहा है, यार वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ पे ये,
वो सारी उम्र चलता रहेगा, वो आपसे पहले भी होते रहे और आगे भी होते रहे। तो ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हाँ आपके एरिया में कुछ हो रहा है तो आप जाके जरूर वहाँ पे जाके कुछ बोलें और वहाँ पे मदद करें, लेकिन यहाँ से अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो हम कर भी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ वगैरह को उस दिन खास करके जिस दिन आप रेकी हीलिंग रिसीव कर रहे हैं उससे पहले नहीं, उससे बाद नहीं। और एक प्रिकॉशन मैं जो अपने क्लाइंट्स को देता हूँ कि आपने फ्रूट्स खाने, हो सके तो मॉर्निंग में रेकी हीलिंग लें और फ्रूट्स खाने के बाद रेकी हीलिंग को रिसीव करें। तो उससे क्या है कि आपकी हीलिंग जो है बॉडी की अच्छी होती है। प्याज ना खाएं उस दिन, कच्चा खास करके कच्चा प्याज ना खाएं, स्पाइसी चीज़ ना खाएं, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं उस दिन, तो आपकी हीलिंग और अच्छी होगी। तो आप एक दिन पहले रात को भी अच्छा सम्यक भोजन करें, सैलड खाएं, अंकुरित दाल खाएं, इससे आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ में दलिया वगैरह आप ले सकते हैं। ये थोड़े डाइट के थे क्योंकि मैं न्यूट्रिशन साइंस भी जानता हूँ। तो अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन खा के बैठे हो रेकी हीलिंग रिसीव करने तो उसका अच्छा ही असर होगा आपके ऊपर। क्योंकि अगर आप फ्रूट्स खा के अगर आप अपना ऑरा चेक करवाएं तो आपका ऑरा बढ़ जाता है, आप कोका कोला पी के करवाएं वो घट जाता है, आप मीट खा के खाएं और घट गया, आप साथ में कोई अल्कोहल पी लें तो और ही घट गया, सिकुड़ गया होगा बीच में ही, आपके शरीर के भीतर ही आप ऐसे हो गए। तो अब क्या है कि नेगेटिव एंटिटी आएगी पीछे से, आपको रिप्लेस कर सकती है, आपके शरीर में एंट्रेंस ले सकती है। लेकिन ये जो आपका ऑरा है ये एक परत है, आपको शायद फील भी होता होगा कि मित्रों को ये ऑरा जो होता है जितना बाहर को फैला होता है, इसका फैलाव जितना बाहर को होता है उतना अच्छा होता है। ये क्रिस्टल्स की माला भी इसीलिए आपका ऑरा फैला देती है। और जब आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि नेगेटिव एंटिटीज़ प्रभावित करती हैं, तो वहाँ पे निश्चित इनका लाभ होता है। लेकिन परमानेंट अगर कोई उपाय चाहता है तो वो उसको खुद ही करना पड़ेगा, विजुलाइज़ करते रहें कि अपना ऑरा फैल रहा है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा ऑरा के ऊपर खास करके। इस वीडियो का बस इतना ही कुल मकसद था कि आपको जागरूक करना कि रेकी हीलिंग को कैसे रिसीव करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजी की सर्विस चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग की सर्विस चाहिए, रेकी हीलिंग चाहिए या क्रिस्टल्स या जेम स्टोन्स चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है gautamcrystals.com, गौतम GAUTAM crystals.com। और मेरी ईमेल आईडी है info@gautamcrystals.com। फेसबुक है facebook.com/oshogautam, ये मेरा फेसबुक पेज है स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सक्सेस का। और इसके अलावा अगर किसी को व्हाट्सएप करना है तो वो नीचे नंबर देख ले, व्हाट्सएप का नंबर जो अभी इस वक्त मेरा है तो वो नीचे मैं अपडेट किया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग की किसी को सर्विस चाहिए। और रेकी हीलिंग के बारे में मेरी दूसरी वीडियो थी कि रेकी हीलिंग होती क्या है और डिवाइन रेकी हीलिंग क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको ज़रा आप देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।